أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رُشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم در الشريف पढ़ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم امين يا رب العالمين मैं आप तमाम हज़रा ख़ुतिन को आज के दरस में खुश आमदीद कहता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिन के बाद एक अजीम महीना शुरू होने वाला है तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हरमत वाले महीनों में से है और इस्लाम के अंदर कुछ महीने हरमत वाले होते हैं तो इसी तरीक़े से ये भी एक हरमत वाला महीना है और इस महीने की और बहुत सारी खसूसियात हैं लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं एक तो आपको पता है कि एक अजीम इबादत हज की इबादत और दूसरा कुर्बानी की इबादत ये दो इबादतें इस महीने की खासियत हैं और खसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इस महीने के हवाले से बयान किया है हम इस पूरे महीने की आजमत के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर हम खास तौर पे इन दो इबादतों को थोड़ा सा दिखेंगे और इस महीने की क्या हमत है और अल्लाह सफाना हूँ ही की रहमत के मजाहिर हैं ये मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला अपने बंदों पर फरमाता है तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एक तो ये कि मैं आपके सामने कुरानी मजीद की एक आयत है आयत नंबर थर्टी टू ये आप देख लीजिए सूरत सूरतुलहज है सूरत, सूरत नंबर बाईस है और इसकी आयत नंबर बत्तीस ये आपके सामने है आयत नंबर थर्टी तो सबसे पहले यहीं से जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये महीना बड़ी आजमत वाला है एक इंतहाई अहम चीज होती है कि हम एक तरफ तो इबादतों को जानते हैं अल्लाह का शुक्र है और हमारे यहाँ इबादतों की तरकीब भी दी जाती है बहुत ज्यादा और अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद के, के मेंबरों से भी इस हवाले से बात होती है मुख्तलिफ किस्म के दरूस होते हैं कि जिसके अंदर उस किसी भी पर्टिकुलर ओकेज़न के ऊपर किसी भी महीने कोई महीना आने वाला हो कोई ऐसा मौका आने वाला हो तो उसमें की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से मदरसिन की तरफ से मुबलिन की तरफ से हिदयात दी जाती हैं और उस महीने की फजीलत जो कि पुरानी मजीद में मजकूर है या आप सलील वसम ने बयान फ़रमाई है तो उसको खूसा बयान किया जाता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और यही हम भी करेंगे इन एक और चीज़ होती है जो कि बहुत अहम है वो ये कि माशरे की नब्स को पकड़ा जाए और अपनी नस्लों का ब़ौर मुआन किया जाए अपनी ज़ात का अपने घर का अपनी कौम के लोगों का ब़ौर मुआन किया जाए और उनका ब़ौर जायज़ा लिया जाए कि हमारी कौम किसी भी ओकेज़न को या मेरी अपनी ज़ात से हम शुरू करते हैं कि मैं अपनी जात के हवाले से मैं अपने घर के हवाले से मैं अपने ख़ानदान के हवाले से अपने मोहल्ले के हवाले से अपनी कौम के हवाले से कोई भी इस तरह का ओकेजन आता है तो हमारे यहाँ क्या मामलात होते हैं हमारे लोगों के क्या अमाल होते हैं और हमारियाँ क्या जहनीत एक इज्तमाही तौर पर क्या जहनीत पाई जाती है इस चीज़ का पता लगाना इंतहाई जरूरी है इसीलिए इससे पहले कि हम आश्रायजा की फजीलत यकीन आप सब ने बहुत सुनी होगी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि अक्सर को माशाल्लाह ये पता होगा क्योंकि हम सुनते हुए आ रहे हैं उसका एक ही रोज़ा बड़ा कीमती है शुरू के नौ रोज़े ताला फरमाते हैं बिसमी वल फजरी वलयाल नाशर है ना कसम है फजर की और दस रातों की तो इस दस रात से मुराद आप सबको पता है ये अशर जोजा की रातें मुफसरीन इकराम ने इसको बहुत वाज तौर पर और बड़ा खोल के बयान किया है और इस ये जो नौ पहली जिलहत से लेकर और नौ जिलहत तक के जो रोज़े हैं इनकी बड़ी फजीलत है अल्लाह के रसूल सली वसलम की वाज हदीस है मुस्लिम शरीफ की आप सोना फरमाते हैं कि अल्लाह तला को किसी भी दिन या किसी भी मतलब यानी कि दिनों की या इबादत इतनी ज़्यादा महबूब नहीं है जितनी कि इन नौ दस दिनों की इबादत अल्लाह ताला को महबूब है यहाँ तक कि सहाब इक्राम ने फरमाया कि मुबारक से भी ज़्यादा और फिर बाज़ ने फ़रमाया कि भाई भई मुबारक के बराबर और दूसरी चीज़ एक तो ये कि एक तो अल्लाह ताला को इस इन महीन इस दस दिनों की इबादत बहुत ज़्यादा महबूब है दूसरा ये कि अल्लाह व तआला ने फरमाया कि जो भी इन रातों में क़्याम करेगा तो उसको लैलतुल क़द्र का सवाब मिलेगा हर रात इन दस रातों में अल्लाह तो ये वाक़ता ऐसे अयाम है ही नहीं पूरे साल में कभी नहीं आएंगे इन्हीं दस दिनों के अंदर आते हैं बस और बाज वलमान ने ये भी फरमाया कि ये जो हज की जो हजा की जो इबादतें हैं और लिजा के जो अमाल हैं जितने भी अमाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी महीने के अंदर है उसके अलावा आपको मिलेंगे ही नहीं इतने फजीलत वाले एयाम पूरे साल में नहीं है इतने फजीलत वाले रोज़े रमज़ान के अलावा बस यही हैं इस कदर फजीलत वाली हर रात ही रही कदर तो अल्लाहु अकबर सोचे ना आप तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा महबूब ही आमाल जो है ना वो इन दस रातों के हैं अच्छा एक बात तो ये हो गई ठीक है दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ऐसा माशरा देखना चाहिए कि हो क्या रहा और हम लोग इसको किस तरह लेते हैं तो जिस तरीके से एक हदीस ये मैंने आपके सामने सुनाई मुस्लिम शरीफ की हदीस कि अल्लाह किफाना वाले को सबसे ज्यादा पसंद है कि इन अयाम की इबादत तो इसका जो वाइस वर्षा है वो क्या है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा गुस्सा गुस्से वाली बात और नाराजगी वाली बात क्या है कि इन अयाम में इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे सबसे अहम बात यही है ठीक है ना कि एक तरफ अगर वाकता अल्लाह ताला को इससे ज्यादा पसंद इन दिनों से ज्यादा और कोई इबादत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है किसी और, और दिनों की तो इसका मतलब क्या है इन दिनों के अंदर इंसान अगर अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो भी सबसे ज्यादा शदीद तरीन बात है अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह के गुस्से की तो मैंने आपके सामने जो ये आयत रखी है वो तो हम फजीरत तो बरहाल समझेंगे और फ़लसफ़ा कुरबानी भी हम समझेंगे हो सकता है उसको अगले सेशन में भी समझें क्योंकि फलसफा कर्बानी क्योंकि कर्बी तो आगे आ रही है तो अगले हफ्ते भी हमारे पास टाइम होगा कि हम कुरबानी के हवाले से ख़ास तौर पर अगले हफ्ते बात कर सकें आज मैं ख़ास तौर पर आपसे इस आयत के बारे में बात करना चाहता हूँ सूर नोट करिए सूरतुलहज आयत नंबर बत्तीसिकाईज शाहूब और इसका मतलब क्या है कि जो कोई तज़ीम करता है अल्लाह के शार की तो अल्लाह ताला के शार की तज़ीम करना ये दिल के तकवे की अलामत है। ये वही इंसान कर सकता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है और अल्लाह के तकवे से मुराद दोनों चीज़ें शामिल हैं अल्लाह के तकबे में कि अल्लाह ताल की इस क़दर शरीद तरीन मुहब्बत वाला दिल है कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी का डर है ठीक है ना तकवे वाला दिल कौन सा होता है कि जिसमें अल्लाह ताला की इतनी शद तरीन मोहब्बत डेवलप हो चुकी है जिस दिल में दिल में कि उस के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी का डर पैदा हो चुका है ठीक है ना यह है तकवल कलूब तो अल्लाह रहे हैं कि शाहिरल्लाह की आजमत और ताजीम करना ये दिल के तखबे की आलामत है ठीक है ना ये बात है जो हमें एज अ नेशन ख़ास तौर पे अपनी जनरेशन में डेवलप करनी है जिसका इंतहाई फकदान आप समझें बीमारी अगर आपने माशरे में से बीमारी को नहीं पकड़ा तो बीमारी फैलती जाएगी और आप इलाज पे इलाज कर रहे हैं इलाज पे इलाज कर रहे हैं आप एक काम ही करें आप तरह तरह के फल खाएं और तरह तरह के फल खाएं और तरह तरह के जो है ना वाइटमिन लीजिए और तरह तरह के जो है वो जिसम को अच्छा करने वाले सेहत बख्श चीज़ें खाते रहिए लेकिन आप बीमारी से ना बचें तो बीमारी अपनी जगह बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी आपके फल फ्रूट खाने का आपके वाइटमिन लेने का और आपके जो है न वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डाइट खाने का खूब बेहतरीन खाने खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने बीमारी का इलाज नहीं किया और बीमारी अपनी जगह बढ़ती रही बीमारी क्या है जो आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारी नस्लों के अंदर आ रही है और जिसको पूरी प्लानिंग के साथ मगरब का मीडिया हमारे ऊपर मुसलत कर रहा है हमारे बच्चों के जहनों में डाल रहा है आज़ादी के नाम पर हमें इस चीज़ को समझना है ठीक है और ये क्या है ताज़ीम किसे कहते हैं सबसे पहले तो तज़ीम सम शाह मैं आपको बाद में बताता हूँ कि शाहिरल्लाह क्या है और इस ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में शाहरुला की हिफाजत कैसे होगी शाह इर क्या है कुरान मजीद ने शाहरल्ला किस को कहा है और आज के एक मुसलमान का शाहर उल्लाह के साथ रवैया आखिर क्यों खराब हुआ है हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने बच्चों को यह बता सकें कि हमारे मजहब के अंदर हमारे दीन के अंदर इस्लाम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये शाह इला ये कितनी अहम चीज़ है और ताज़ीम किसे कहते हैं किस ताज़ीम किसी भी चीज़ की आजमत को दिल में आजमत का दिल से इकरार करना उसको दिल में जानना उसके यकीन रखना आजमत का मतलब होता है बड़ाई आज़मत का मतलब होता है बड़ाई कोई शेय इतनी बड़ी हो जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बड़ों का एक अदब होता है हमारे यहाँ कोई किसी शय की आ, बड़ा होना हर लिहाज से यानी कि जहाँ इंसान कंपेयर ही ना कर सके कंपैरिजन पॉसिबल ना हो ठीक है ना वो शय अजीम है बड़ी है बहुत बड़ी जिसके बारे में मैं तसवर भी नहीं कर सकता उसके बड़ा होने का कि वो कितना बड़ा है ठीक है ना तो उसमें क्या है एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आती है तो सबसे अहम बात जो वेस्ट का मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने किया है वो ये है कि मुसलमानों से उनके हर तरह की उनके अंदर से एहतराम और आज़मत ख़त्म की जाए मुसलमान नस्लों से मुसलमान नौजवानों से नौजवान लड़कों से नौजवान लड़कियों से हर लेवल पर आज़ादी के नाम पर ख़ास तौर पर हर शे की आज़मत ख़त्म की जाए कि शाह उल्ला अब मैं आपको बताता हूँ कि शाहिरल्ल्ह क्या होते हैं अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे इन सफ़ा नफ़ा सफ़ा और मरवा ये अल्लाह ताला के शाइर में से हैं शाइर असल में जमा है शाइरा की और शाइरा कहते हैं अलामत को यानी निशानी ख़ास कर ये वो निशानी है कि जिसको देख कर जो अल्लाह के लिए ख़ास है ये अल्लाह ने इंसान के लिए अल्लाह हमें जिस्म और रूह से मिला के बनाया है तो बहरहाल हमारे बहुत सारी चीज़ों की तो हमें जहरी बातें हमारा तो ईमान बिल ग़ीब है कुरान मजीद किताबें हिदायत है और हिदायत भी किन लोगों के लिए कि जो कि तकवे वाले हैं जिनके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहली शर्त क्या है जो कि गैब पर ईमान लाते हैं यानी कि गैब क्या कह किसे कहते हैं हम कि वो चीज़ें जो हमारी आँखों से ओझल हैं अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते ठीक है इसी तरीके से जन्नत और जहन्नम ये सारी चीज़ें ठीक है ना कब्र के मामला जन्नत के मामला जहन्नम के मामला इन सब को अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमारी आजमाइश के लिए छुपा के रखा है गैब में रखा है और इन पर हमें यकीन करना है अल्लाधी ईमान लाना है अल्लाधी मनू बिलगैबी के ईमान वाले वो हैं जो के गैब पर ईमान रखते हैं लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी तकवा की डेफिनेशन के अंदर कि अल्लाह ताला की इस कदर शदीद मोहब्बत इंसान में डेवलप हो कि अल्लाह की नाफरमानी का खौफ इंसान के दिल में पैदा हो जब इस कदर शदीद मोहब्बत डेवलप हो जाती है और कुरान मजीद ने कहा है वल्ल आमनू आमनु अशद हब्बल्ला वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं तो अब जहरी बातें अल्लाह ताला ही ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसको कोई ना कोई शेय जो आंखें फिज़िकल आंखें अल्लाह ने दी हैं उसको उससे भी उसकी कोई तस्किन का बास हो वो अपनी आंखें ठंडी कर सके क्योंकि मोहब्बत जहरी बातें एक जज्बा है और वो जज्बा इंसान को इंसान की उससे रूह हरकत में आती है और इसी तरीके से इसका असर उसके अज़ा पे पड़ता है ज़ाहरी अज़ा आंखें हैं दिमाग है दिल है और इंसान के जवारे उस पर अमल करते हैं तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे बंदे कुछ थोड़ी बहुत तस्कीन और फरहत हासिल कर सकें मेरी क्योंकि जहरी बात है मेरे बंदे मुझे नहीं देख सकते अपनी आँख से वो तो कयामत के दिन आखिरत में जन्नत में जाने के बाद ही अल्लाह जिसको चाहेंगे अल्लाह उसको अपना दीदार अता फरमाएंगे अल्लाह ताला हम सब को अपना दीदार आता फ़रमाए अल्लाह ताला हमारी आँखों को ऐसा पाक कर दे दुनिया में कि आखरत में ये आँखें अल्लाह ताला को देख सकें और ये आँखें अल्लाह ताला उनको चुन ले कि जिनको अल्लाह अपना दीदार नसीब करे अल्लाह हमें आँखों की पाकीजगी आता फरमाए तो जहरी बात है कि अल्लाह सुफहान त असल दीदार तो आखरत में होगा लेकिन जब या आपको पता है कि जब इंसान की मोहब्बत आगे बढ़ती है तो इस कदर इसका लेवल आगे बढ़ जाता है कि इंसान चाहता है कि मेरी आंखों को भी ठंडक नसीब हो आया कोई एक ऐसी अलामत कोई एक निशानी तो हो कि जिसके ज़रिए से मैं अपने रब को तो नहीं देख रहा कम से कम उसको देख के ही मेरी आंखें सुकून में आ जाएं और उसके उसको देख के जो है वो मेरे दिल को सुकून और करार आए और मेरी कुछ कैफियत मेरी मोहब्बत का कुछ तकाज़ा तो कम मतलब उसको मान कुछ कम हो और मुझे कुछ करार आए कुछ सुकून आए यही वो कैफियत थी जो मूसा सलात सलाम पर आ गई थी तो फरमाने लगे रबी अरिनी अंजुले अल्लाह ताला रोजाना मुझसे आप बात कर रहे हैं आप मुझसे बातें करते हैं आप सोचिए कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है इसका असर ऐसा होता है कि इंसान रोने लग जाता है इसको जब समझे हम तो वाक़ता कुरान मजीद पढ़ते हुए इंसान रोता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत और ज़्यादा दिल में पैदा होती है दिल चाहता है कि प्यारे अल्लाह को ये आँखें देख सकें तो जब अल्लाह ताला खुद कलाम करेंगे तो आप सोचिए जब अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया और रोज़ाना अल्लाह पाक कलाम फ़रमा रहे हैं उस कलाम का जो मूसा आलिस्लात सलाम पे असर हुआ कितना बर्दाश्त करते आखिर एक मोहब्बत का क्या लेवल होगा मैं और आप तस्वर भी नहीं कर सकते उस पर आप सोचिए आखिर मुंह से निकल गया और अब अरिनी अंजर इक अल्लाह ताला मुझे आप इजाजत दें मैं आपको देखना चाह रहा हूँ मतलब मुझे करार नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कहाँ जाऊं है ना इंसान जब शदीद तरीन किसी चेहरे से मोहब्बत करे और उसकी आंखें उससे जो है वो अपनी आंखों से ना देख पाए तो सोचे ना आप ये एक इजतराबी कैफियत हो जाती है इंसान बेचैन हो जाता है आई वॉन्ट टू सी मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को करार आए सुकून आए तो याद रखिएगा अल्लाह सुफाना ने अपने बंदों की सुकून के खातिर अपनी कुछ निशानियाँ अपनी कुछ अलामत दुनिया में रखी हैं जिनको शाह कहा जाता है मुमकिन है कि आप सबको समझ में आया होगा इन कि ये शाहर इनको देखकर हम अपनी आंखें ठंडी करें और अल्लाह को याद करें हमारे अंदर जो इंतहाई ताकतवर मोहब्बत वाला जज्बा अल्लाह के लिए है अल्लाह से जो हमारी मोहब्बत है उसका हम क्या करें हमारे दिल को जो सुकून नहीं मिल पा रहा अल्लाह ताला ने उसका एक जरिया बनाया अपनी कुछ निशानियां और अपनी कुछ ऐसी अलामत रखी जो ख़ास हैं अल्लाह के लिए उनको शाह कहा जाता है कि इनको देखो और आंखें अपनी ठंडी करो तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा इन बाकी तुम जब आखरत में आओगे तो इनशाला अपनी पाक आंखें लेकर आना इनशाला तुम्हें तुम्हारे रब का दीदार नसीब होगा तो फिर उस वक्त जो असल सुकून है जहरी बात है वो आखरत नहीं मिलेगा ठीक है ना मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सबको शाह इर समझ में आया होगा कि ये शाहरल्ला कितनी अहम चीज है ये आशिकों के लिए है आशिकों के लिए ये अल्लाह से इश्क करने वाले हैं जो अल्लाह को देखना चाहते हैं जिनको सिर्फ अल्लाह ताला के दीदार के अलावा और कोई शय मतलूब नहीं है तो वो जब शाह उनको नजर आते हैं तो उनका दिल कुछ सकून पा लेता है असल तो महबूब हकीकी तो अल्लाह है असल सुकून तो अल्लाह ही को देख के मिलेगा लेकिन बहरहाल कुछ उसका आसरा तो हो जाता है ना कुछ तसल्ली तो मिल जाती है तो ये शाह इरल्लाह वो हैं तो इसमें शाह में क्या क्या है फरमाया कि चार चीजें असल शाह हैं नंबर एक है क़ुरान शाह इरल्ला है नंबर दो काबा शाह इरुला है नंबर तीन नबी शाह है नंबर चार नमाज शाह है मैंने को बताया सफ़ा और मरवा शाह इर है वलबुद इन शाह ही इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर ये शाह हैं हरमत वाले महीने इन, इसके अंदर के जो अमाल है ये सारे शाह हैं ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के लिए ख़ास हैं हम जब नमाज पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट नमाज की कैफियत नमाज का पढ़ना नमाज की प्रैक्टिस ये कुछ भी हो जाए तो ये अल्लाह तला के कुर्ब का जरिया कुर्बानी के जानवर इनको को देख के अल्लाह याद आता है बैतुल्ला इनको देख कर बैतुल्ला को देख कर आके ठंडी होती हैं, अल्लाह से फन तद आते हैं सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला फरमाते हैं, हैं। तो, तकवल कलूब अब आपको याद समझ में आएगी और जो कोई ताजीम करता है आजमत याद रखिएगा ताजीम एक नेक्स्ट लेवल है रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट समझिए आप लेवल नंबर वन है और रिस्पेक्ट से आगे का लफ्ज ताज़ीम है ठीक है ना ताज़ीम किसी शेयर की आजमत का अपने दिल में एतराफ करना उसको बड़ा जानना और जब वो बड़ा जानेंगे हम बड़ा मानेंगे तो उसकी मोहब्बत भी दिल में डेवलप होगी और उसकी नाराजगी का डर भी दिल में पैदा होगा कि कहीं हमसे कोई बेहरमती ना हो जाए कहीं हमसे कोई खता सरजद ना हो जाए हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए मैं इतना टाइम इन बातों पे ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आज के दौर में और हमारी नौजवान नस्ल के अंदर हमारे बच्चे हमारे ख़ानदान वाले हमारे मोहल्ले वाले उनका शाह से क्या मामला है और शाह की क्या अहमियत है शाहरुला के हवाले से किस कदर गफलत है ये बताना बहुत ज़रूरी था तभी जजा की भी अहमियत आएगी तभी दस रोज़ों की अहमियत भी दिल में आएगी कुर्बानी की अहमियत भी दिल में आएगी के जानवर की अहमियत दिल में आएगी जुलहिज्जा, हज थोड़ा सा समझ में आएगा हज के दिन की अहमियत समझ में आएगी इस दिन इस जुलहिज्जा के महीने के अंदर किए जाने वाले आमाल की आजमत दिल में पैदा होगी और इंसान का जो रवैया एक आम तौर पर गफलत का और एक आम तौर पर अल्लाह की नाफरमानी का और तफरी का और जो हमारी पूरी कौम जिसके अंदर लगी हुई है ऐसा लगता है कि कुर्बानी नहीं आ गई बल्कि तफरी आ गई वो एक धड़ा धड़ दढ़ कमाने में माल कोई माल की दौड़ में लगा हुआ है कोई तफरी की दौड़ में लगा हुआ है हमारे सारे नौजवान अपनी नमाजें गलत कर रहे हैं अपनी तिलावतें गालत कर रहे हैं और बस सिर्फ और सिर्फ जानवर 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 तो इस मकसद के लिए था ही नहीं, उस नहीं। उसमें मकसद ही नहीं था और इस कुर्बानी के चक्कर में इस जानवर के चक्कर में और इसकी तफरी के चक्कर में और सब सब कुछ इसी को बना दिया सारी इबादत गारत करके फ़रज़ गाफिल करके रोज़ा गारत करके सारे आमाल गारत करके नाफरमानियों में लगकर इन्ना कर इन्ना व इन्ना रोजाऊन तो क्या वो कुर्बानी रही और क्या ही वो लिजा की तज़ीम रही और क्या ही वो रोज़ों की और नेक आमाल की तरफ रगबत रही वो सब का सब चला गया हाथ से सिर्फ और सिर्फ एक उसके चक्कर में तो आप सोचिए ये सारी और कोई इज्जत नहीं कोई एहतराम नहीं हमारे यहाँ तो जहरी बात है ना की कोई अहमियत ना रोज़ों की कोई अहमियत ना तकबीरात की कोई अहमियत ना इबादात की कोई अहमियत ना तस्बीहात की कोई रगबत और बस इल्ला माशाल्लाह सब के सब एक दौड़ में लगे हुए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए ये वो सारे हमारे यहाँ मुनकरात हैं ये वो सारी खुराफात हैं जो हम हमारे माशरे में चल रही हैं अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से बचाए अल्लाह हमें फ़हम अता फ़रमाए अपनी आयात का बहर तो पता ये लगा कि शाह इरल्ला ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ही की मोहब्बत की और ये समझें आप कि ये आलाम हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तला से तो इनकी तज़ीम करना ममई आज़िम शाह मिनतल करूब तो मैं आपको सबसे पहले जो अहम बात बता रहा था हमें अपनी नस्ल के अंदर नौजवान नस्ल के अंदर सबसे पहले जो चीज़ डेवलप करनी है वो है रिस्पेक्ट आजमत हुरमत वाले महीनों की आजमत जुलहिज्जा के महीने की आजमत जुलहिज्जा के जो आमाल हैं उनकी आजमत कुरान मजीद की आजमत अल्लाह ताला की आजमत इसी तरीके से ज़ुल्हिजा के जो रोज़े हैं उनकी आज़मत और इसी तरीके से हज की आजमत कुर्बानी की आजमत कुर्बानी के जानवर की आजमत बढ़ाई यानी कि रिस्पेक्ट इंतहाई अहम चीज़ है हमारी कॉम में सबसे बड़ा मसला इस वक्त वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये है मुसलमानों के अंदर से हर किस्म की इज्जत तकद्दस एहतराम ये सब खत्म किया जाए इनकी नस्लों से तो ना ही ये किसी चीज का ख्याल रखेंगे इनके लिए आने जाने वाला महीना एक ओकेजन है आप देखिए इसी आजमत के निकल जाने की वजह से जो सबसे बड़ा मामला हम भुगत रहे हैं वो ये भुगत रहे हैं कि हमारी हर इबादत ही बिजनेस बन चुकी है हमारे बच्चे नौजवान बड़ा छोटा सब के सब किस दौड़ में लगे हुए कि बस जानवर 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 और जानवर अल्लाह ताला आफ फरमाए इसको बेचना और उसको खरीदना और फलानी मंडी और ये वाली मंडी और ये जानवर पता नहीं जैसे कि आप सोचें कि सिवाय इस अमल के और कोई अमल है ही नहीं और क्या जज्जा और क्या उसके अमाल और क्या उसकी आज़मत और क्या उसकी रिस्पेक्ट कुछ नहीं और पूरी पूरी रात का जागना और अल्लाह की नाफरमानियाँ करना और फिल्में देखना ड्रामे देखना तमाम नाफरमानियाँ अल्लाह ताला की चल रही हैं हमारी नौजवान में खुद हमारी ज़ात में अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत सुनाए याद रखिएगा तो जिस तरीके से अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है इन दिनों की इबादत बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब क्या बनेगा अगर हमने इससे गफलत बरती और अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनेगा इन दस दिनों के अंदर खास तौर पर नाफरमानी करना गुनाह के काम करना नमाजों को छोड़ना तिलावत को छोड़ना तस्बीहात को छोड़ना गिबतें करना बुरी बातें मुंह से निकालना गंदी बातें करना फहैश गोई करना गिबतें करना लान तान करना लड़ाई करना एक दूसरे से झगड़ा करना और उसमें गालम गुलोच करना आप अंदाज़ा करिए झगड़े करना ये वो सारी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अब गजल्ला हो जाएंगी कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नाराजगी और गुस्सा दिलाने वाले भी इन आमाल के अंदर की गई नाफरमानियाँ हैं नमाजें छोड़ना नवाफिल छोड़ना ये वो बड़ी बड़ी नाफरमानियां हैं आप अंदाजा करिए कि इस माह मुबारक की सारी आजमत खत्म हो जाती है इस माह मुबारक की सारी की सारी आजमत खत्म हो जाएगी अगर गुनाहों को ना छोड़ा गया तो एक तरफ हमारिया जहाँ तरगीब दी जा रही है कि हाँ भाई रोजे रखें और नमाजे पढ़ें और नवाफिल का एहतमाम करें लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे बहुत सारे महरिकात हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले हमें ताज़ीम आजमत बिठानी है अल्लाह ताला की अल्लाह के रसूल वसल्लम की अल्लाह ताला की ताज़ीम दिलों में बिठाने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के कलेमत कुरान मजीद की आयत को हमारे बच्चे और हम खुद ग़ौर से सुने इसके हुक्म को हुक्म माने इसके हलाल को हलाल जाने इसके हराम को हराम मानकर उससे इज्तनाप करें इसी तरीके से मैंने आपको बताया नबी आप सल्लाम की सुनत मुबारक सुन्नत समझ अपनाएं ना ये कि सुन्नत समझ के छोड़ दें अस्तफर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए सुनतें समझ कर आप की सुन्नतों पर आप से वसलम की तज़ीम करने का मतलब क्या है कि आपलम से शदीद तरीन मुहब्बत की जाए और आपलम की सुनतों की कामिल पैरवी की जाए इसी तरीके से इस माह मुबारक के अंदर हर किस्म की नाफरमानी से बचा जाए ये माह मुबारक हरमत वाले महीनों में से याद रखियेगा हरमत वाले महीनों में वैसे भी ज़्यादा गुनाह मिलता है कोई इन्षान इन्षान अगर इंसान से इंसान अगर जानबूझ के गुनाह करे अल्लाह की नाफरमानी करे उसमें आम महीनों के नस्बत ज्यादा गुना मिलता है तो ना ये कि ये भी ऐसे एक तो हुरमत वाला महीना ऊपर से अफजल तरीन अयाम जिसमें अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है इन दिनों में अल्लाह ताला की इबादत करना तो याद रखिए इन दिनों में नाफरमानी करना बहुत ज्यादा वबाल का बायस होगा बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला को नाराज़ करने का बायस होगा अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाली बात होगी तो हम इस चीज़ का ख़ास तौर पर एहतमाम करें कि सबसे पहले ख़ुद इरादा करें अल्लाह ताला हमें इन दस दिनों में अपनी नाफ़रमानी से बचा ले, अल्लाह ताला हमारे अंदर आजमत एहतराम और ताज़ीम को पैदा फरमा दे ये जितने भी शाह इर है देखें हज पूरा शाह इर आ रहा है कुर्बानी शाह है ये वो चीज़ें हैं जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से और अल्लाह ताला की मोहब्बत में कमाल जब ही हो सकता है कि जब ये शाह की इंसान तज़ीम करे इनका ख्याल रखे और इनको अल्लाह की नाफरमानी का ज़रिया ना बनाए हम इन अगले सेशन में हमारा जो अगले हफ्ते सेशन होगा उसमें हम क़ुरबानी पर और हज पर बहुत तफसील से बात करेंगे हज एक आजीम इबादत लेकिन मैंने कहा कि खास तौर पे इस आयत को समझा जाए कि वमई मिन वमईम शाहूब ये इंतहाई अहम आयत है और शाह इला का समझना इंतहाई जरूरी है अल्लाह ता वो चीज़ें दुनिया के अंदर के जो कि डायरेक्ट अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट कर रही हैं अल्लाह सुफ़ाना वाली ही की की आलामात हैं तो जिनको देखकर हमें एक आशिक को सकून मिलेगा उसकी मोहब्बत को थोड़ा करार आएगा उन चीज़ों को देखकर उनकी आजमत हम अपने दिलों के अंदर पैदा करें अपनी औलाद के दिलों के अंदर पैदा करें जब उसकी आज़मत पैदा होगी उसके एहतराम पैदा होगा तो उसके बाद कब की बात है अमल का आना हम अमल से महरूम कर दिए गए हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों की आजमत अपने दिलों से निकाल दी है हमें कोई टेंशन नहीं होती हाँ भाई ज्ज जाए ना चलो ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है भाई भाई कोई फ़र्ज तो नहीं है ना कुछ है हमारे यहाँ तो ये हो रहा है भाई कोई फ़र्श तो नहीं है ना कुछ है फ़र्श से ऊपर भी फ़र्ज के अलावा भी और बहुत कुछ करने के लिए अल्लाह वक्त तो याद रखें ये जो तो ताज़ीम खत्म करना है मुसलमानों से हर शह की तो अब आप अंदाजा करें उसका असर फिर नीचे तक आया कि औलाद ने वालद की भी ताज़ीम छोड़ दी छोटों ने बड़ों की ताज़ीम छोड़ दी और बड़ों ने छोटों पर रहम करना छोड़ दिया इसी तरीके से उस्ताद की ताज़ीम और उस्ताद की आजमत भी ख़त्म और ये होते होते आहिस्ता आहस्ता बात बढ़ी तो अल्लाह तला की जो डायरेक्ट वो चीज़ें जो अल्लाह को रिप्रजेंट कर रही हैं हमारी कौम का रवैया उनके साथ भी बिल्कुल एक आम सी चीज़ जैसा हो गया है कि जैसे ये कोई आम सी चीज़ हो जलहज़ा है तो उसका मतलब है बस सिर्फ कुर्बानी और तफरी और घूमना फिरना और खाना पीना और सारी की सारी नमाजें कजा करना और अल्लाह की नाफरमानियां करना और आम दिनों से ज्यादा इसके अंदर नाफरमानियाँ अल्लाह की हो जाती हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए झूठ और गीबत और पता नहीं क्या क्या आपको पता है वो खुराफ़ात बड़ी बड़ी गैजिंग लग रही हैं पूरी पूरी रात बच्चे जाग रहे हैं और दो रकात नफिल की तोफीक से भी बच्चे महरूम हैं आप अंदाजा करें कि रोज़ाना इस इन रातों की इबादत लई लत कदर की इबादत के बराबर और हमारे पूरा माशरा माशाल्लाह सब पूरी पूरी रात जाग रहे हैं बगैर नमाज के पूरी पूरी रात का जगह हो रहा है बग़ैर नमाज के बगैर नवाफिल के बल्कि खुराफा के अंदर तफरी के अंदर जानवरों को खुद परेशान कर रहे हैं और एक पूरी पूरी रात बच्चों की वो मंडियों में निकल रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ तफरी के नाम पे क्या क्या चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें हमें इंतहाई चौकन्ना होना है इस हवाले से इस महीने के हवाले से और ख़ास तौर पर अपने माशरे की नब्स उसको देखें हमारे घरों में क्या बीमारी है हमारी अपनी ज़ात में क्या बीमारियां हैं याद रखिएगा नेक आमाल का अजर उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए अगर इंसान अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता तो नेक आमाल भी ज़ाया हो जाते हैं और नेक आमाल की तोफीक भी इंसान को नहीं मिल पाती तो इनशाला इनशाला हम इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला शाह इर की आज़मत हमारे दिलों में बिठाए अल्लाह ताला हमें ये जो दस दिन आ रहे हैं इनसे भरपूर इस्तः करने की तोहफ़ी कता फरमाए मैं आप लोगों से गुजारिश ही करूँगा कि चंद हादीत सुनाऊँगा आपको इन दस दिनों के हवाले से तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें इन क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रही है ठीक है अल्लाह ताली से दुआ अल्लाह तमें आमल की तोहफ़ी कता फ़रए प्लीज़ दोबारा ज्वाइन कर लें